जुनवानी के मिशनरी स्कूल में हुए यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने अपना कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में 3 दिन के अंदर यौन शोषण मामले में सख्त कार्रवाई करके रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी के जुनवानी स्कूल में नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण की घटना हुई थी। इसके बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानगुनगो ने मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में अध्यक्ष ने लिखा है कि जुनवानी स्कूल और छात्रावास का निरीक्षण करने पर पाया गया है कि वो नाबालिगों के साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं हो रही हैं और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये काफी निंदनीय है। अध्यक्ष ने आगे लिखा है कि जुनवानी में जितने भी स्कूल और छात्रावास ईसाई मिशनरी एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें सरकार से पैसे लेकर अवैध गतिविधियां भी की जा रही हैं। इसे घोर अनियमितता माना जाएगा। अध्यक्ष ने जनजातीय कार्य विभाग से मांग की है कि 3 दिन के अंदर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी रिपोर्ट आयोग को दी जाए। वहीं इस मामले पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन 2 अन्य आरोपी पादरी सनी और वार्डन सविता इक्का अभी भी फरार हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।